हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। हाल ही में मैंने पढ़ी द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ बाय पुष्कर राज ठाकुर। दूसरों को समझना इंटेलिजेंस की निशानी है, लेकिन खुद को समझना बुद्धिमत्ता है। दूसरों पर महारत हासिल करने की क्षमता एक शक्ति है, लेकिन खुद पर महारत हासिल करना ही सच्ची ताकत है। आपके दो वर्शंस हैं, एक जो आप अभी हैं और एक जो आप होने की आकांक्षा रखते हैं। इन दो वर्शंस के बीच में हमेशा गैप रहता है। जब हम अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने की बात करते हैं, तो हम इस गैप को भरने की बात करते हैं। ऑथर ने अपने जीवन में इस गैप को जल्दी महसूस किया और तब उन्होंने व्यक्तिगत निपुणता पर्सनल मास्टरी हासिल की। ऑथर ने पिछले 5 वर्षों में 14,000 घंटे से अधिक का समय दिया और यह जाना कि पर्सनल मास्टरी की कला 8 मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जिसे वे 8 X फैक्टर्स कहते हैं। इन 8 X फैक्टर्स को फॉलो करके आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। 1. कंटिन्यूअस अपलिफ्ट्स थॉट्स कट। हर व्यक्ति के लिए वास्तविकता अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऑथर ग्रीस के एक बीच पर थे जहाँ बिकिनीज में बहुत सारी महिलाएं थी। ऑथर के फ्रेंड्स उनसे बात करने के लिए एक्साइटेड थे। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उन लड़कियों को देखकर कहने लगा कि उनमें कोई शर्म नहीं है, वे खुले में इस तरह कैसे घूम सकती है। अब आप देखिए, दो अलग अलग व्यक्ति और उनके दो अलग अलग दृष्टिकोण। यह आपके बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करता है। आपके विचारों को आपके बिलीफ सिस्टम के द्वारा फिल्टर किया जाता है और बाद में आपके ओपिनियन और थॉट बनते हैं। यदि आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की ओर झुका है, तो सब कुछ पॉजिटिवली फिल्टर्ड होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इसी तरह की घटना एक स्कूल के लड़के के साथ हुई। वह स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसके स्कूल के कुछ साथियों ने उसे रोककर उसे मारा और उससे कहा कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम सबसे खराब स्टूडेंट हो पूरे स्कूल में। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, उसने उन सभी बातों को सच मान लिया। पहले वह सब कुछ बढ़िया कर रहा था, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता था, सभी से बात करता था, लेकिन नेगेटिव बिलीफ की वजह से एग्जाम्स में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए। उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने लोगों की बातों पर बिलीव कर लिया था। आपने देखा कि कैसे बिलीफ्स हमारी जिंदगी बदलते हैं। आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जाने से रोकना है, क्योंकि वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको उन लोगों पर बिलीव नहीं करना है जो आपके खिलाफ बोलते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम आपकी विचार प्रक्रिया का सबसे गहरा आधार है। 2. मॉर्निंग रिचुअल्स। यदि आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ें, तो आप पाएंगे कि वे सभी सुबह बहुत जल्दी जागते हैं, लगभग 4-6 AM तक, और रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप जागने के बाद रिफ्रेश्ड फील करेंगे। 1. प्रिपेयर फॉर स्लीप। जिस तरह हम जिम या योगा के लिए जरूरी आउटफिट डाइट की तैयारी करते हैं, उसी तरह सोने के लिए भी तैयारी करें। ज्यादातर लोग सुबह जागने पर तरोताजा फील नहीं करते और कुछ को तो रात में नींद नहीं आती। उनकी नींद अल्कोहल और मेडिकेशन पर डिपेंड करती है। ज्यादातर लोग काम के बाद घर आते हैं तो वे आमतौर पर टीवी देखने में लिप्त रहते हैं। सोने से पहले सबसे बुरी चीज जो आप अपने दिमाग के साथ कर सकते हैं, वह है न्यूज देखना, जो ज्यादातर नेगेटिव न्यूज होती है, क्योंकि ऐसी जानकारी के प्रति हमारा माइंड ज्यादा आकर्षित होता है। जब हम नेगेटिव थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। भारत में टीवी शोज भी कुछ ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है और युवा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है। तो अपने बेडरूम से टीवी सेट को हटा दे और सोने से 15 मिनट पहले अपने फोन को दूर रख दे और हो सके तो स्विच ऑफ कर दे। 2. रीड पॉजिटिव। जब आप रात में सोने से पहले कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सोते समय आपको फीड करेगा। इससे आपको अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी मिलेगी। पर्सनल मास्टरी। सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बुक्स पढ़िए। 3. स्लीप ऑन टाइम। ऑथर कहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट्स को रात के 8 बजे तक अटेंड कर लेता हूँ और रात के 9 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मुझे 9:30 तक सोना होता है। मुझे पता है कि एक बार यह हैबिट ब्रेक हो गई तो मैं पहले की तरह फ्रेश फील नहीं करूँगा, और यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं समझौता नहीं करता हूँ। इसलिए अपनी नींद के लिए एक समय तय करें और इसे हाई इम्पोर्टेंस दे। 4. थिंक एंड राइट पॉजिटिव। सोने से पहले उन सभी अच्छे कामों के बारे में सोचे जो आपने पूरे दिन में किए थे। वह चाहे लोगों की मदद करना या पढ़ाई करना, वह कुछ भी हो सकता है। यह आपके शरीर में एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे डोपामाइन कहा जाता है, जो आपको फिर से कुछ ऐसा ही करने के लिए मोटिवेट करेगा। 5. जंप आउट ऑफ बेड। सुबह जैसे ही अलार्म रिंग करे, तुरंत उठ जाए, स्नूज बटन न दबाए।
जब आप जाग जाए तो फिर न सोए। इसे अपने जीवन में हर दिन लाने की कोशिश करें। आप तुरंत एनर्जी फील नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों में यह एक हैबिट में बदल जाएगी और आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। 6. एक्सरसाइज। एक और बड़ी हैबिट जो आप अपने जीवन को बदलने के लिए विकसित कर सकते हैं वह है एक्सरसाइज करना। यदि आपको बाहर जाना मुश्किल लगे तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप जॉगिंग के लिए बाहर जा सके, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो घर पर 20 मिनट वर्कआउट करें। 7. मेडिटेट। यह आपकी चेतना को बढ़ने में मदद करेगा। आप शांति से रहेंगे और आप अद्भुत काम कर सकते हैं। 3. डेली रूटीन। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां बेहतरीन डिनर को देखते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चॉकलेट पेस्ट्री और फ्रूट सैलड में से किसे चुनते हैं। यदि आपने फ्रूट सैलड चुना तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए। इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में इसके बहुत से फायदे हैं। इसलिए आज से इन्वेस्टर माइंडसेट को अपना ले। इसी तरह आपके पास चॉइस है कि बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जाने के लिए आप लिफ्ट का यूज करते हैं या सीढ़ियों का। यदि आप सीढ़ियां चुनते हैं तो ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। आपके पास गाना सुनने या बुक को पढ़ने का चॉइस है और आपको बुक पढ़ना चुनना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। 30 डेज पहले अपने शेड्यूल को प्लान करें। यदि हमारा प्लान है लाइफ में कुछ अचीव करने का, तो हमें पहले से अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। यदि आप सेल्स में हैं तो आपको हर दिन 5 लोगों से मिलने का प्लान बनाना चाहिए। 4. इनसेन प्रोडक्टिविटी। यदि हम स्टूडेंट, बिजनेसमैन या जॉब करते हैं, हम चाहे जो हो हमें अपने फील्ड में रिजल्ट्स चाहिए। हम मिनिमम टाइम और एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहते हैं। इनसेन प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करने पर फोकस करना होगा। एक रिसर्च में ये पाया गया कि हमें 30 मिनट्स चाहिए होते हैं किसी काम पर फोकस करने के लिए और लगभग हर 3 मिनट्स में हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमारी फोकस करने की क्षमता इतनी कमजोर है कि यह 3 मिनट से ज्यादा समय तक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। हम फोन एंड लैपटॉप पर नोटिफिकेशंस चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यदि आप सफलता और प्रगति चाहते हैं और यदि आप अपने सपने को जीना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दीजिए। टाइम की वैल्यू को बढ़ा के हम प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें किसी दूसरे को काम सौंपना और न कहना सीखना होगा। इसका मतलब है कि अपने कम महत्वपूर्ण काम को दूसरे व्यक्ति को देना, जो आपकी भागीदारी के बिना किया जा सकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है जो बोला जाए वो करो। यही कारण है कि हम नहीं जानते कि कैसे नहीं कहना है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम उन चीजों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उन चीजों को नहीं करते जो हमें करनी चाहिए, और इसलिए हमारे टाइम की वैल्यू में कमी आती जा रही है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए खुद से ये क्वेश्चन करें, मेरे बिना ये कैसे हो सकता है। इसे इस स्टोरी से समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति था जो हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि आप गरीबों को अनदेखा कर अमीरों की हेल्प कर रहे हैं। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उसने कहा, मैं गरीब, मेरी फैमिली गरीब और मेरी सोसाइटी गरीब, जबकि जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ वह अमीर। भगवान कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक को भी तुम्हारी तरह गरीब बना देता हूँ। और वे दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। वे दोनों अपने घर के गुजारे के लिए काम करने का डिसाइड करते हैं। वे दोनों ही पास की एक नदी में मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। गरीब व्यक्ति उन मछलियों को बेचने के बाद जो 400 रुपए मिलते हैं उनसे अपनी फैमिली को अच्छा अच्छा खिलाता है, जबकि जो व्यक्ति पहले अमीर था वह मछलियों को बेचकर जो 400 रुपए मिलते हैं उनमें से केवल 100 रुपए से अपनी फैमिली को खिलाता है और बाकी 300 रुपए सेव कर लेता है। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन जो व्यक्ति पहले अमीर था खुद से पूछता है, ये काम मैं बहुत महीनों से कर रहा हूँ और मेरे बिना ये कैसे हो सकता है। तभी वह एक व्यक्ति को 200 रुपए प्रतिदिन में काम पर रख लेता है। अब वह ज्यादा मछलियां पकड़ते और उन्हें बेचने पर 800 रुपए कमाते। काम पे रखे व्यक्ति को 200 रुपए देने और अपनी फैमिली को खिलाने के बाद अब वह 500 रुपए सेव करता। ऐसा कुछ महीने चलने के बाद वह 20 लोगों को काम पे रख लेता है और कुछ सालों में वह मछुआरे के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था। 5 साल के भीतर वह एक कंपनी बनाने में सफल हुआ, केवल खुद से यह क्वेश्चन पूछकर, मेरे बिना ये कैसे हो सकता है। यदि आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाने में सक्षम होंगे। टाइम मैनेज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। टाइम को मैनेज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नाइदर इम्पोर्टेंट नो अर्जेंट। अधिकांश लोग वे सभी गतिविधियां करते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम्स खेलना,
नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सूचना मिलती है, आपका कोई रिलेटिव एक एक्सीडेंट में घायल हो गए है. यह आपके लिए अर्जेंट है कि आप वहां जाए और आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इस प्रकार के कार्य अर्जेंट नहीं है लेकिन वे करना इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना होगा जो कुछ महीने दूर है. इम्पॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है 2 दिनों में और यदि आप अभी से एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करते हैं तो संभावना है कि आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं. इन 4 कैटेगरीज में से आपको 3rd कैटेगरी में कम से कम 80% समय देना चाहिए, जहां आप आमतौर पर 5% या उससे कम देते हैं. टाइम मैनेजमेंट को डिटेल में समझने के लिए इसे पढ़े, टाइम मैनेजमेंट बुक समरी, या YouTube पर देखे टाइम मैनेजमेंट बुक की एनिमेटेड समरी. 5. लीडरशिप. हर किसी का दुनिया में योगदान है और देने के लिए कुछ है. जब लोग ऑथर से पूछते हैं कि कैसे पता करें कि उनके भाग्य में क्या है, तो ऑथर कहते हैं उन्हें भाग्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उन्हें खुद ढूंढ लेगा. कड़ी मेहनत करते रहें और आपको अंततः पता चल जाएगा कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है. लीडरशिप के लिए 3 चरण होते हैं. 1. थॉट लीडरशिप. एक लीडर का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उसकी विचार प्रक्रिया अलग होती है. एक लीडर जानता है कि फॉलोअर्स क्या नहीं जानते हैं. वे जानते हैं कि लोग केवल तभी प्रदर्शन करेंगे जब आप उनकी सराहना करेंगे. एक लीडर चाहता है कि अन्य लोग उनके विजन का अनुसरण करें. यदि आपके एम्प्लॉयज वह नहीं कर रहे हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, तब आपने उन्हें वह नहीं दिखाया जिसके द्वारा उन्हें इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड किया जा सके. आपको उन्हें विजन दिखाने की आवश्यकता है. 2. एक्सप्रेशनल लीडरशिप. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं और आप जवाब देते हैं कि आप ठीक हैं, आपकी प्रतिक्रिया आपके बॉडी लैंग्वेज पर बहुत निर्भर करती है. यदि आपकी प्रतिक्रिया सुस्त है तो आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वे आपके बारे में अधिक पूछें. लोग अटेंशन पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ जो कोई भी सही मायने में सुन रहा है वह आपसे दूर चला जाएगा यदि उसे पता चलेगा कि आप हेल्थ के लिहाज से अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, जो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे सकता है. पीड़ित मानसिकता में न जिए, इसके बजाय सकारात्मक रूप से जवाब दे और आपका शरीर उसी तरह महसूस करेगा. इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो उन्हें बताएं कि आप अद्भुत हैं. 3. पर्सनल लीडरशिप. हर कोई आपको देख रहा है. एक लीडर के रूप में आपको सब कुछ परफेक्टली करना है. ये चैलेंजिंग है, लेकिन आपको लीडर बनने की जरूरत है. आपको लीडर होना चाहिए, बॉस नहीं. सबके लिए मिसाल बने. अपने विजन से लोगों को प्रभावित करें. आज आपने जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करें और लीडर बने. 6. पर्सनालिटी अपग्रेडेशन. पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए हमें अपने ऑरा को बढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑरा है क्या. क्या आपने देखा है कि एक मोमबत्ती पर एक छोटी सी लौ पूरे कमरे को रोशन करती है? मान ले कि आप वह लौ है और कमरे में जो रोशनी है वह आपका ऑरा है. हमें अपने ऑरा को साफ करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने की आवश्यकता है. ऐसा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. 1. बात. हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश. आपके शरीर में जो कुछ भी है वह ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वह आपके शरीर में है. आपने अक्सर देखा होगा जब हम खराब मूड में या गुस्से में हो तो नहाने के बाद हमारा मूड चेंज हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमारी ऑरा भी बदल जाती है. जब हम 5 तत्वों के साथ मिलते हैं तो हमारी ऑरा प्रभावित होती है. 2. मेडिटेशन एंड थॉट्स. जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप तुरंत अपनी ऑरा बदलते हैं. जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनके प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है. आप जिस भी धर्म के हो, आपको वह जप करना होगा जो आप कर सकते हैं. जब भी समय मिले प्रार्थना करें. 3. ब्लेस पीपल. ब्लेसिंग क्या है? ब्लेसिंग एक विचार है. जब आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आप उन्हें ब्लेसिंग दे रहे होते हैं. ये शुरुआत में हमारे लिए कठिन होगा क्योंकि हम दूसरों को नेगेटिव रूप से आंकने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन हमें इसे पॉजिटिविटी में बदलने की जरूरत है. जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, हम पॉजिटिव और एक अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं. लोगों को ब्लेस करने को हमें अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए. 7. वेल्थ क्रिएशन. इन प्रिंसिपल्स की मदद से जानेंगे कि किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं. 1. मेक मनी इम्पोर्टेंट. लोग कहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है. फिर क्या महत्वपूर्ण है? आप भोजन, कपड़े, घर, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, सब कुछ पैसे के साथ आता है. यदि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो आपके पास यह नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कार नहीं चाहता है तो उनके पास कार नहीं है। पैसे के मामले में भी ये सच है। आपको इस बिलीफ सिस्टम की आवश्यकता है कि पैसा महत्वपूर्ण है। दो, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हैं तो करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज क्या कर रहे हैं, आप इसे 5 साल बाद भी करते रहेंगे। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने अनुभव से सीखते हैं। आप अपने सपनों के करियर को तुरंत नहीं पा सकते हैं, लेकिन शुरू करें। आपको पैसे के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से प्राप्त करना होगा, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कैसे की जाती हैं, आपको कैसे का जवाब नहीं देना है। आप नहीं जानते कि आप कैसे अमीर बनेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। 8. रिलेशनशिप मास्टरी। अगर रिश्तों में गड़बड़ी होती है तो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है या आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन वे आपके बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं। एक रिश्ते में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वे 6 तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करेंगे। 1. एनकरेज पीपल टू स्पीक अबाउट देमसेल्व्स। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। आपको एक एक्टिव लिसनर होने की जरूरत है। क्वेश्चंस पूछें, इंटरेस्ट लें और उन्हें अपने बारे में अधिक बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। जितना ज्यादा दूसरे व्यक्ति को बोलने की अनुमति होगी, उतना ही वे आपको पसंद करेंगे। 2. गिव पीपल टाइम। एक कीमती उपहार जो आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं वह है आपका टाइम और उपस्थिति। आपका टाइम लिमिटेड है और यही चीज इसे कीमती बनाती है। यह महसूस करें कि टाइम मूल्यवान है। पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन आपका समय ही केवल एक ऐसी चीज है जो बस जाता है। यदि आपके रिश्ते में परेशानी है तो देखें कि क्या आप इसमें पर्याप्त समय लगा रहे हैं। मैरिज में कपल्स अक्सर एक दूसरे को टाइम देने में फेल होते हैं। टाइम देने से दूसरे व्यक्ति मूल्यवान महसूस करते हैं। 3. पे देम अ कॉम्प्लीमेंट। लोगों को खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। यह मानव प्रवृत्ति और प्रकृति है। अगर आपको किसी में कुछ पसंद है तो उन्हें बताएं। उनके लुक्स, नॉलेज, क्लोथ्स, कम्युनिकेशन स्किल एटसी की प्रशंसा करें, लेकिन याद रखें कि यह एक वास्तविक प्रशंसा होनी चाहिए। 4. पीपल लाइक देयर नेम्स द मोस्ट। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। व्यक्ति का नाम हमेशा उनके माइंड में रजिस्टर्ड होता है, और अगर कोई आपको आपके नाम से बुलाता है तो आप तुरंत जवाब देंगे और अत्यधिक चौकस रहेंगे। अक्सर लोग नाम ठीक से नहीं सुनने की गलती करते हैं, और जब वे अगली बार मिलते हैं वे या तो भूल जाते हैं या गलत तरीके से उनके नाम को बोलते हैं। 5. मेक पर्सन फील इम्पोर्टेंट। उन्हें सम्मान दें और उनकी तारीफ करें, उनकी बात सुने, उनमें सच्ची दिलचस्पी लें, उन्हें समय दें, उनपे ध्यान दें, उन्हें उपहार दें। जब आप ये सब करेंगे तो वे महत्वपूर्ण महसूस करेंगे और वे आपको पसंद करने लगेंगे। अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगेंगे। 6. टॉक इन टर्म्स दैट इंटरेस्ट द अदर पर्सन। जब आप उनसे बात करते हैं तो उस विषय पर बात करें जो आप दोनों को पसंद है। स्टॉक मार्केट के बारे में बात न करें जबकि दूसरे व्यक्ति को इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वह आपसे तालमेल नहीं बना पाएगा। तो आप कैसे जानेंगे कि दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है? उन्हें गौर से सुने और उन्हें पहले जान ले। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो आपको वक्ता के दिमाग में एक गहरी पहुंच इनसाइट मिलेगी। दोस्तों, आपको इस किताब की समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप किसी किताब की हिंदी में समरी चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम जरूर उसकी समरी का वीडियो बनाएंगे। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।